देश नव वर्ष की खुशियां मनाने में लगा है। वहीं सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना के महाप्रबंधक हीरा राम प्रसाद सिंह ने प्लास्टिक मुक्त जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जनता और देश में एक अच्छा संदेश पहुंचाया। महाप्रबंधक ने कहा कि जहां आज पूरा देश सिंगल यूज प्लास्टिक से जूझ रहा है, उस प्लास्टिक को नए साल में बाय बाय कर उसको मन से हटा देना चाहिए। अगर दुकानदार भी प्लास्टिक देता है तो उसे नहीं लेना है। उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई कि कैसे हमारे पर्यावरण से प्लास्टिक को हटाया जाए और कैसे अपशिष्ट प्लास्टिक सामग्री प्रदूषण का कारण बनती है। इस दौरान प्लास्टिक बोतलों इत्यादि को गमलों के रूप में दोबारा इस्तेमाल करने की विधि भी बताई। उन्होंने बताया कि पर्यावरण में प्लास्टिक के रूप में एक गैर जैव अपघटनीय पदार्थ है, जिसे ना तो मिट्टी और ना ही पानी नष्ट कर सकता है। अगर इसे जलाकर नष्ट किया जाएगा तो हमारी हवा को प्रदूषित कर अनेक बीमारियों को जन्म देगा। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में रहता है और सब कुछ प्रदूषित करता है। इसलिए प्लास्टिक की प्लेट, बैग, पॉलिथीन, चम्मच, चश्मा और प्लास्टिक से बने अन्य सामग्री के उपयोग से बचे। सोनभद्र से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। मंगलमय हूँ, जहाँ नव वर्ष पहली तारीख को सब लोग अलग अलग ढंग से नव वर्ष को मनाते हैं और वहाँ हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए, अपनी कॉलोनी को स्वच्छ करने के लिए और हमने इसका विरोध करने के लिए एक रैली का आयोजन किया है और हम लोग इसी तरह से नव वर्ष को आज मना रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए। कॉलोनी और देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कॉलोनी और देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से जागरूक हों कि ये प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और किसी भी तरह से कोई भी फायदा नहीं है, तो हम इसको जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर करें और अपनी कॉलोनी, अपने आस पड़ोस घर और अपने पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे सबको स्वच्छ रखें और उसके साथ एक स्वच्छ वातावरण में जीने का आनंद लें। जी सर, मैं परियोजना प्रमुख की तरफ से सबको संदेश देना चाहता हूं कि आज के समय में जो हम लोग प्लास्टिक समस्या से जूझ रहे हैं, उसको बाय बाय करने के लिए हम लोग अपने मन से इसको त्याग दें और कभी भी हम मार्केट के लिए जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो थैला ले जाएं और दुकान वाला कहीं प्लास्टिक देता भी है तो उसको न लें। मैं सबको ही संदेश देना चाहता हूं कि अपने देश, अपने कॉलोनी, अपना शहर सबको स्वच्छ करने के लिए हम लोग को ये संकल्प लेना पड़ेगा। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज नव वर्ष पर अपना नव वर्ष मनाते हुए आज संकल्प लेते हैं कि प्लास्टिक को हम लोग बाय बाय करेंगे और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको शामिल नहीं करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।